अंबेडकर नगर जिला। यह जिला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से एक प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। अंबेडकर नगर जिला की स्थापना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा 21 सितंबर 1995 को कराया गया था। जिले का नाम भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर पड़ा है। जिले का मुख्यालय अकबरपुर शहर में मौजूद है और यह जिला अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के नंबर प्लेट पर UP 45 लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि आप अंबेडकर नगर जिला में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, यह वही अंबेडकर नगर जिला है जहां पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी व राजनीतिक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। दोस्तों, अंबेडकर नगर जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें सुल्तानपुर जिला, आजमगढ़ जिला, बस्ती जिला, गोरखपुर जिला, फैजाबाद जिला और जौनपुर जिला है। आवागमन की बात करें तो यह जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग नेशनल हाईवे संख्या 232 और नेशनल हाईवे संख्या 233 पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये सभी इसी जिले से होकर गुजरती हैं। दोस्तों, इसके अलावा अंबेडकर नगर जिला में अंबेडकर नगर टर्मिनल बस स्टेशन भी मौजूद हैं। हर रोज इस टर्मिनल से 37 बसें जिले और जिले के आसपास पड़ोसी जिलों तक बसें मिलती हैं। रेल मार्ग अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन। अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म व 9 पटरी मौजूद हैं। ओखला रतलाम लाइन पर यह रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिसका स्टेशन कोड DAN है और यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के रतलाम डिवीजन के अंतर्गत आता है। वायु मार्ग वैसे तो अंबेडकर नगर जिला में राजकीय हवाई पट्टी है, लेकिन अंबेडकर नगर का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट गोरखपुर का हवाई अड्डा है। दोस्तों, अंबेडकर नगर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा पर्यटक स्थल है जिसके बिना अंबेडकर नगर जिला की खूबसूरती अधूरी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, गोविंद साहब धाम। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हर साल एक महीने का मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी होती है। इस बार यह मेला 28 नवंबर से शुरू होगा और यहाँ पर देश के बड़े बड़े शहरों से श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं। नंबर 2, किचौसा शरीफ। यह प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम शाह जहांगीर अशरफी की दरगाह शरीफ के नाम से मशहूर है। यह दरगाह शरीफ तालाब से घिरा हुआ है। पूरा परिसर संगमरमर के पत्थरों से सजाया गया है। हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग इस दरगाह की जियारत करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अंबेडकर नगर जिला में 5 तहसील मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं: अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, भिट्टी और अल्लापुर। लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर में फैले अंबेडकर नगर जिला की कुल आबादी 23,97,888 है। वैसे जिले की साक्षरता दर 74% है, यानी कि यहाँ पर 74% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। काशीराम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, महामाया राजनीतिक एलोपैथिक, BNKB PG कॉलेज, रामलखन PG कॉलेज,
ये सभी इसी अंबेडकर नगर जिला में मौजूद हैं। दोस्तों, अंबेडकर नगर जिला की 10% आबादी शहरों में रहती है, बाकी 90% आबादी गांवों में रहकर अपना जीवन यापन करती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। धान, गेहूं, गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। जिले में एनटीपीसी से संबंधित एक थर्मल पावर स्टेशन तथा जेपी सीमेंट फैक्ट्री भी है। इसके अलावा जिले में एक चीनी मिल भी मौजूद है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर मिझोड़ा में स्थित है। परंतु जिले में कोई बड़ा उद्योग न होने के कारण उत्तर प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की तरह भी यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर हैं। तमसा नदी जिले की मुख्य नदी है। तमसा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 753 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अंबेडकर नगर जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को देखते रहिए। शुक्रिया।